Hey YouTube, welcome to Otaku Vibes. आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 15 मिस्ट्री एनिमे शो के बारे में। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे एनिमे मिस्ट्री एनिमे हैं, लेकिन इस बार मैं जो 15 एनिमे शो आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट पिक है जो मुझे लगता है आपने एक ना एक बार देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं नंबर 1 से 15 तक जाता था, ये लिस्ट में 15 से 1 तक आने वाला हूँ। मतलब जो पहले नंबर का एनिमे है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सस्पेंस एनिमे है। तो मेरे नंबर 15 का रिकमेंडेशन है सीरियल एक्सपेरिमेंट लाइन। ये एनिमे शो 1998 में आया था, जिसके सिर्फ 13 एपिसोड है। इस एनिमे शो की मेन प्रोटागोनिस्ट है लाइन इराकुआ। लाइन एक लोनली और इंट्रोवर्टेड टीनेजर है, जिसको इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ज़्यादा कोई उसको इसके बारे में पता भी नहीं है। एक दिन इसके क्लास को एक अनयूजुअल ईमेल आता है, जो उसी के क्लासमेट ने भेजा होता है, जो कुछ ही दिन पहले जिसने सुसाइड किया रहता है। इसी हादसे से लाइन इंटरनेट से जुड़ जाती है। वो फाइंड आउट करना चाहती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या है इंटरनेट की दुनिया। धीरे धीरे उसको इंटरनेट की जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। डिजिटल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का वो अंतर नहीं कर पाती। इस एनिमे शो का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एनिमे शो पुराना है लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा है। एक बार जाके ये साइकोलॉजिकल मिस्ट्री एनिमे जरूर देख लीजिएगा। तो मेरा नंबर 14 का रिकमेंडेशन है फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। ये एनिमे शो 2012 में आया था, जिसके 25 एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्टोरी फ्यूचर में सेट है, जो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस्ड है, जो कि एक मिस्टीरियस स्कूल में पढ़ते हैं। साकी वातानाबे एक यंग लड़की है, जिसे हम धीरे धीरे ग्रो होते हुए और अपने गाँव के अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए देखते हैं। मोर्टेलिटी और ह्यूमैनिटी, ये इस स्टोरी के मेन टॉपिक्स है। तो एक बार ये डार्क फैंटेसी थ्रिलर मिस्ट्री का एनिमे आप देख लीजिएगा। मेरा नंबर 13 का रिकमेंडेशन है फ्यूचर डायरी। ये एनिमे शो 2011 में आया था, जिसके 26 एपिसोड है। ये कहानी अमानो नाम के एक टीनेजर लड़के की है। अमानो एक हर वक्त अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाला लड़का है। हर रोज वो अपनी लाइफ के बारे में अपने एक डायरी में लिखता रहता है। एक दिन उसके सर में से एक एंटिटी निकलती है, जो कहती है कि वो बैटल रॉयल की होस्ट है, लेकिन वो एंटिटी अमानो को ही बैटल रॉयल की पार्टिसिपेंट बना देती है। इस बैटल रॉयल में अमानो के साथ और 12 लोग होते हैं, जिनको एक डायरी दी जाती है जो उनको कॉम्पिटिशन में काम आने वाली है। इस स्टोरी के एंड तक आपको बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके आपको जवाब मिलेंगे ही नहीं। मिस्ट्री, रोमांस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ये एनिमे शो देखना मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा नंबर 12 का रिकमेंडेशन है इर्गो प्रॉक्सी। ये शो 2006 में आया था, जिसके सिर्फ 23 एपिसोड है। ये शो की स्टोरी हजारों साल फ्यूचर में बताई गई है। इकोलॉजिकल मेल्टडाउन की वजह से हमारे अर्थ का ज्यादातर हिस्सा हैबिटेबल अभी नहीं रहा है, लेकिन जितना भी हिस्सा बचा है वहाँ हाईली एडवांस दुनिया है हमारी। इंसानों के साथ साथ रोबोट्स भी वहाँ है। एक बार एक अननोन वायरस फैल जाता है, जिससे एक एक करके लोगों की और रोबोट्स की डेथ होती रहती है। इस स्टोरी में रोमडो नाम का एक कैरेक्टर बताया गया है। ये पूरी की पूरी स्टोरी रोमडो के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करने की जर्नी है। ये शो देखते हुए आपको आई रोबोट और घोस्ट इन द शेल, इन दोनों की फीलिंग्स आने वाली है। मेरा नंबर 11 का रिकमेंडेशन है डेथ नोट। डेथ नोट बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे है, अगर नहीं देखा तो पहले जाके देख लीजिए। ये शो 2006 में आया था, जिसके 36 एपिसोड्स है और 2 एनिमेटेड मूवीज भी है। ये एनिमे शो एक्चुअली मैंने 2013 या 14 में देखा था, तो अभी बहुत देर हो गया है, बहुत लेट मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पर्सनल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको अचानक एक ऐसी किताब मिल जाती है या फिर ऐसा बुक मिल जाता है, जिसके ऊपर आप जिसका भी नाम लिखते हो कुछ ही टाइम के अंदर मर जाएगा, तो फिर आप अपने आप को क्या कहोगे? गॉड ऑफ डेथ, मौत के देवता? यही कंसेप्ट डेथ नोट का है। एक जीनियस हाई स्कूलर जिसके पोजीशन में डेथ नोट है, और दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव, दोनों का चूहे बिल्ली का खेल आपको इस एनिमे में देखने को मिल जाएगा। सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, आपको सब कुछ इस एनिमे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। शो देखा नहीं है तो सब कुछ छोड़ के पहले जाके ये शो देख लीजिए। मेरा नंबर 10 का रिकमेंडेशन है डिटेक्टिव कोनन, ऑल्सो नोन एज केस क्लोज्ड। ये एनिमे शो बहुत बड़ा एनिमे शो है और अभी भी चल रहा है। ये एनिमे शो 1996 में आया था, जिसके 1030 से भी ज्यादा एपिसोड है। ये स्टोरी है शिनिची कुदो की, जो एक हाई स्कूल जाने वाला डिटेक्टिव लड़का है, जो कभी कभी पुलिस की हेल्प करता है अनसॉल्व मिस्ट्री और अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करने के लिए। एक बार एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान डार्क ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स कुदो को पकड़ लेते हैं और उसको खत्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग पिला देते हैं, लेकिन उस ड्रग से कुदो मरता नहीं है बल्कि छोटा हो जाता है। उसकी मेंटेलिटी, दिमाग सब रहता है बड़ा, लेकिन उसकी जो बॉडी रहती है वो श्रिंक होकर एक छोटे से बच्चे जैसे हो जाती है। तो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर कोनन रखता है और ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन, या यूँ कहूँ कि डार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता रहता है।
जैसे स्टोरी आगे आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए मिस्ट्रीज और सीक्रेट सामने आते हैं जिसको कोनन धीरे धीरे करके सॉल्व करता रहता है। मेरा नंबर 9 का रिकमेंडेशन है साइकोपास। ये एनिमे शो 2012 में आया था जिसके 3 सीजन है। पहले सीजन में 22 एपिसोड है, सेकंड सीजन में 11 एपिसोड है और थर्ड सीजन में 8 एपिसोड है। इसी एनिमे के ऊपर 3 एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी है। ये एक क्रिमिनोलॉजिकल मिस्ट्री एनिमे शो है, चोर पुलिस का खेल वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस एनिमे शो का कॉन्स्टेंट मोमेंटम, सस्पेंसफुल और मजेदार क्लाइमैक्स आप कभी भूलोगे नहीं। मेरा नंबर 8 का रिकमेंडेशन है द गार्डन ऑफ सिनर्स। इसको मैं एनिमे शो कम कहूंगा और एनिमेटेड मूवीज की सीरीज कहना पसंद करूंगा। यह सीरीज 2007 में आई थी। ये 8 मूवीज की सीरीज 45 मिनट से लेकर 2 घंटे के आसपास की है। उसके बाद 2009 में भी इसकी एक एनिमेटेड मूवी आई थी द गेट ऑफ सेवंथ हेवन नाम की। उसके बाद एक इसका ओवा भी आया था, ओवा मतलब ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन, जो सिर्फ 33 मिनट का था, वो 2011 के आसपास कुछ तो आई थी। उसके बाद एक एनिमे शो भी आया था जो 2013 में आया था जिसके 13 एपिसोड भी थे। और वही 2013 में एक और मूवी भी आई थी फ्यूचर गॉस्पेल नाम की, जो सिर्फ 32 मिनट की थी। अब इन सब के बारे में इस वीडियो में बताना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए मैं गार्डन ऑफ सिनर के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। बस हमारे साथ बने रहिए सस्पेंस और थ्रिलर के लिए। यह एनिमे शो जल्दी जाके देख लीजिए। इसका अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मेरा नंबर 7 का रिकमेंडेशन है डेथ परेड। सबसे पहले ये एनिमे शो की एक मूवी आई थी डेथ बिलियर्ड्स नाम की, जो 2013 में आई थी। उसके बाद 2015 में इसका एनिमे शो आया था जिसके सिर्फ 12 एपिसोड है। यूनिक कंसेप्ट और बेस्ट साउंड ट्रैक आपको इस एनिमे शो में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये एनिमे एक ऐसी दुनिया में बेस्ड है जहां मरने के बाद लोग पहले एक बार में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां आए हुए रैंडम लोगों में से 2 लोग एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं। मरने से पहले अपने लाइफ में हमने जो कुछ भी डिसीजन लिए हैं या फिर जो कुछ भी चॉइसेस लिए हैं, इनके बेसिस पे उस गेम का आउटकम डिसाइड होता है। और उस गेम के आउटकम पे ये भी डिसाइड होता है कि कौन मरने के बाद हमेशा के लिए इरेज्ड हो जाएगा या फिर कौन फिर से पुनर्जन्म लेगा। मेरा नंबर 6 का रिकमेंडेशन है द प्रॉमिस नेवरलैंड। ये एनिमे शो 2019 में आया था जिसके 23 एपिसोड है। इस स्टोरी में एक ऐसा ऑर्फनेज दिखाया गया है जो पूरी दुनिया से दूर बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ है। ऑर्फनेज के सारे किड्स को उस दीवारों के आसपास भी जाना मना है। एक दिन एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसकी एक डॉल पीछे छूट जाती है, तो ऑर्फनेज के 2 लड़के उसको उसकी डॉल देने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि उसको अडॉप्ट करने वाले की ह्यूमंस नहीं है, एक्चुअली वो मॉन्स्टर्स है, तो वो उन किड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट होता है। अब वो मॉन्स्टर कौन है, कहाँ से आई है, बाहर की दुनिया कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें इस एनिमे का मेन सस्पेंस है। इसका जो पहला सीजन है वो एक सस्पेंसफुल प्रिजन ब्रेक स्टोरी है और सेकंड सीजन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा नंबर 5 का रिकमेंडेशन है अटैक ऑन टाइटन। बहुत सारे लोग अटैक ऑन टाइटन के फैन है। ये डेथ नोट की तरह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है हमारे कंट्री में। ये एनिमे शो 2013 में आया था जिसके 83 के ऊपर एपिसोड है और 8 से भी ज़्यादा स्पेशल एपिसोड्स है। इसके 3 एनिमेटेड मूवीज भी आ चुकी है। इस एनिमे के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक ये वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरा 4th रिकमेंडेशन है अनादर। अगर मेरे आपने पिछले वीडियो देखे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत बार इस एनिमे शो को रिकमेंड कर चुका हूँ। ये एनिमे शो 2012 में आया था और इसके सिर्फ 12 ही एपिसोड है। एक्चुअली ये एनिमे शो बहुत छोटा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कंटिन्यू बैक टू बैक 3 बार ये एनिमे शो देखा है। मिस्ट्री के साथ ये हॉरर एनिमे शो भी है। इस एनिमे शो में दिखाए गए मर्डर्स और डिस्टर्बिंग मिस्ट्री आपको अपनी जगह से उठने ही नहीं देगी। मैंने मेरे पिछले वीडियो टॉप 15 हॉरर एनिमे और टॉप 15 शॉर्ट एनिमे में इसको रिकमेंड किया था, तो अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। मैं इन दोनों वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा नंबर 3 का रिकमेंडेशन है इरेज्ड। ये एनिमे शो 2016 में आया था जिसके सिर्फ 12 एपिसोड है। इस एनिमे शो को भी मैंने पहले रिकमेंड किया है टॉप 15 शॉर्ट एनिमे और टॉप 15 बिगिनर्स पैक एनिमे में। उस वीडियो की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्टोरी सतोरू नाम के एक लड़के की है। सतोरू को अपने ही मदर के मर्डर के जुर्म में अक्यूज किया जाता है। सतोरू जब क्राइम सीन से भागने लगता है तो अचानक ही वो टेलीपोर्ट होता है अपने पास्ट में। अब सतोरू अपने आप को इनोसेंट साबित करने और अपने चाइल्डहुड के क्लासमेट को बचाने की कोशिश करता है। थ्रिलर और मिस्ट्री का तड़का आपको इस एनिमे शो में देखने को मिल जाएगा। मेरा नंबर 2 का रिकमेंडेशन है मॉन्स्टर। अब नाम पे मत जाएगा, मॉन्स्टर इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि इस एनिमे शो में आपको मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, बल्कि ये एनिमे इंसान के अंदर के शैतान को बताता है। ये एनिमे शो 2004 में आया था जिसके 74 एपिसोड है। और इस एनिमे शो के बारे में सबसे बड़ी बात कि इसका हर एक एपिसोड 40 मिनट से ज़्यादा बड़ा है। ये स्टोरी डॉक्टर तेनमा की है, जो एक दिन अपने पूरे करियर को दांव पे लगा के एक डिसीजन लेता है एक लड़के की जान बचाने के लिए, और वो उसकी जान बचा भी लेता है, लेकिन उसके बाद उसका पूरा करियर खराब हो जाता है।
कुछ साल बाद पता चलता है कि उसने जिस लड़के को बचाया था वो अभी एक साइको किलर बन चुका है। मेरे ख्याल से ये एक मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे शो है जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट सस्पेंसफुल एनिमे शो है। अगर आपने ये शो देखा है तो आप मेरी बातों से 100% एग्री करोगे। तो मेरा फाइनल और नंबर वन का रिकमेंडेशन है वन पीस। बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने वन पीस को इस लिस्ट में ऐड किया है। सबसे पहला पॉइंट, अगर सारे एनिमे मेरे दिमाग में है तो वन पीस मेरे दिल में। ये एक फंटेसी एडवेंचर एनिमे है, 1999 से अब तक चलता आ रहा है। इसके 1000 से भी ज्यादा एपिसोड है, इसके ऊपर 14 एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी है। 1000 से ज्यादा एपिसोड होने के बावजूद अभी तक इस एनिमे के इतने सारे मिस्ट्रीज है जो अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सस्पेंस एनिमे है मेरे हिसाब से। और आपका हिसाब आप जानो। इसके ऊपर मैं ढेर सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप वन पीस के फैन है तो मेरे चैनल से बहुत ही जल्दी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आपको हमारी लिस्ट कैसे लगी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। हमारा सब्सक्राइबर काउंट ये बताएगा कि अपने देश में कितने सारे एनिमे फैंस हैं। एनिमे रिलेटेड कंटेंट मैं हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए अरिगातो गोजाइमस। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।